क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने। इसमें क्या दिया, आ लाइब्रेरियन परचेज 50 स्टोरी बुक फॉर हिज लाइब्रेरी बट ही शो दैट ही कुड गेट 14 मोर बुक बाय स्पेंडिंग 76 मोर देन द एवरेज प्राइस ऑफ बुक वुड बी रिड्यूस बाय 1 देन द एवरेज प्राइस ऑफ ईच बुक ही बॉट वाज। मतलब पहले उसने जो बुक खरीदी थी उनका प्राइस अपन को बताना है। देखिए उसने 50 स्टोरी बुक खरीदी। मैंने मान लिया कि ईच का एवरेज प्राइस कितना था, इनिशियली एक्स रुपी था, तो ये क्या आ गया अपने पास 50 × x हो गया जो उसने इनिशियली बुक खरीदी थी उनका प्राइस, प्लस उसने 76 रुपये और खर्च कर दिए, तो उसने कितनी बुक खरीद ली टोटल, टोटल बुक उसकी हो गई 14 + 50 कितनी हो गई 64, टोटल हो गई इसकी 64 बुक। अब इनका प्राइस कितना आ जाएगा, पहले इनिशियली x था तो अब 1 रुपये से कम हो गया तो x माइनस 1 हो गया। बस ये अपना क्वेश्चन की इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना आसान सी बात है, ये हो जाएगा 50x + 76 = 64x - 64। ठीक है, ये 64 इस साइड आ जाएगा 76 + 64 और ये 50x उस साइड चला जाएगा तो 64 - 50x ये कितना बचेगा 14x और ये कितना हो जाएगा 6 6 6 14। ठीक है x और ये 14 से ये कट जाएगा कितने टाइम 10 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यही अपन से क्वेश्चन में पूछा था कि ईच बुक का प्राइस क्या था, तो 10 रुपये था, उसने एक बुक का प्राइस 10 रुपये में खरीदी थी। ठीक है,